अ वेरी गुड इवनिंग गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका हो बीच क्योंकि पूरा दिन बीत चुका है और अभी टाइम हो रहा है 4:25 हो रहा है, शाम हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा मैं थक भी चुका हूँ, तो और भी काम करता हूँ और भी काम करते करते थक चुका हूँ। तो आज का क्या प्लान है, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं फ़िलहाल रोड पे हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले रोड पे हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से इस तरफ जाएगा सिल्क बोर्ड, देन बेंगलोर सिटी की तरफ जाएगा सेंटर के। तो आज का क्या प्लान क्या है, आज कहाँ जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। डायरेक्ट ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट देखो हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो वीकेंड्स पे बेंगलोरियंस क्या करते हैं, आसपास घूमने जाते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे बेंगलोर को, एक्सप्लोरिंग बेंगलोर सीरीज़ में ये वीडियो जाएगी, ये ब्लॉग जाएगा। ब्लॉग्स में आप लोग कुछ ब्लॉग्स में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, कुछ ब्लॉग्स में आप लोग का रिस्पॉन्स थोड़ा डल रहता है। ब्लॉग्स कंटिन्यूसली आएंगे, जो लोग कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लॉग्स में कभी सीजनल ब्लॉगर की तरह कभी कभार आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ब्लॉग्स कंटिन्यूसली आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यूसली मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ब्लॉग्स देखना आपको मिलेंगे। अगर मंडे को नहीं आता है तो फिर वेडनेसडे को आएगा, ऐसा नहीं कि ट्यूसडे को आएगा। तो सिर्फ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैंने फिक्स कर दिया है, इसी दिन आएंगे। तो ये था मेरे ब्लॉग्स के बारे में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। आप लोग अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है। अगर आप लोग ऐसा जज करोगे, आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो, आप जज मत करो ज़्यादा कि आप शेयर करोगे तो क्या होगा, लोग पूछेंगे अच्छा है ख़राब है ये है वो है, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर भी करो फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, जस्ट 500 मीटर्स और है इंडियन मिलिट्री म्यूजियम। हाँ यस, हम जाए पार्किंग का इस पर बना हुआ रोड पे हम पार्क कर सकते हैं, यही है इंडियन मिलिट्री म्यूजियम। सो दिस इज़ अली असगर रोड एंड ये है इंडियन मिलिट्री म्यूजियम। एंड लेट्स सी, इधर से तो कोई टिकट दिख नहीं रहा है। And this is tank. यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। ये जस्ट पार्क है और इसमें इतने म्यूजियम में पार्क को म्यूजियम की तरह बना दिया। अच्छा ये क्रेन है आई थिंक, भाई जिन्हें म्यूजियम आर्मी के टैंक्स ट्रक्स का शौक हो देखने का उनके लिए ये ब्लॉग अच्छा है। DRDO RDS पुणे का ये ट्रक है, इसरो का है सैटेलाइट रॉकेट, सामने हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स।
ओके, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, प्रोग्राम्ड, DRDO, ब्रह्मोस, आकाश, DRDO, छोटी सी मिसाइल है, बहुत बड़ी नहीं है। दिस इज नाग, DRDO। शिप दिख रही है, मॉडल है, ये रियल में नहीं होगा। क्लोज्ड है, लॉक लगा है इस पर, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हाँ, नज़दीक से देखते हैं ब्रह्मोस को, प्लास्टिक का है। फ्लैग, एंड वो फ्लैग है वॉर मेमोरियल पे, उधर है वॉर मेमोरियल, ये सामने से वॉर मेमोरियल। पहले देखते हैं इधर क्या लिखा है। नेशनल मिलिट्री मेमोरियल, बेंगलोर, श्री फाउंडेशन स्टोन लेड बाय श्री रामेश्वर ठाकुर, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका, BS येदुरप्पा, प्रेजेंटेड बाय, ट्यूसडे 10 फरवरी 2009 को ये ओपन हुआ था। और ये मेन गेट है, बट ये लॉक है, एंड ये है वॉर मेमोरियल। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से जाएंगे, फ्लैग है। और इसके पीछे है नेशनल फ्लैग, गिरना मत। वी रिमेंबर, सोल्जर्स का JK राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, JK राइफल्स, सबका नेम है यहाँ पे। इतने लोगों का ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, जाट रेजिमेंट्स, जाट रेजिमेंट, ऐसे तमाम रेजिमेंट के जो सोल्जर्स, इंडो पाक वॉर 1971, गोरखा राइफल्स के जो थे, मेजर विजेंद्र सिंह, SP सिंह, VK बहल, KR पुरी, MS पठानिया। एंड दिस इज द म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन, ICMF बेंगलुरु। लोगों की भीड़ देखो आप, और इधर फाउंटेन है, उसको देखने के लिए अभी से लाइन लगी हुई है। लाइट्स का सहारा ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये था इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन। तो पूरा सीन ये था कि ये जो हम लोग प्लेस गए थे, ये था पहले, मैं सोचा इंडियन मिलिट्री म्यूज़ियम है, राइट, इंडियन मिलिट्री म्यूज़ियम भी है, फिर इसके बाद इसमें वॉर मेमोरियल भी है,
एंड इंदिरा गांधी फाउंटेन भी है जो कि 7 बजे अंधेरा होने पे चलता है फाउंटेन जो आपने देखा। इसके बगल में है फ्रीडम पार्क, वो कभी कभी चलेंगे। इसी के जस्ट पास में है कब्बन पार्क, आपने देखा होगा अगर आप पिछले ब्लॉग्स में आप जाके देखोगे तो। तो यही सब सारा सीन है। तो बस आज का यही ब्लॉग था, बाकी बातें किसी और ब्लॉग में। तो ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पेपर फ्रेंड्स का शेयर करना और कमेंट करो आप। अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो फीडबैक देना हो तो कमेंट करो आप, और अच्छा लगा तो अभी हाय के लिए हाय हेलो भी कर सकते हो आप, कमेंट कर सकते हो। तो गाइज ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, ब्लॉग्स देखो और बैंगलोर, ये एक्सप्लोरिंग बैंगलोर सीरीज़ में था मैं, बैंगलोर में क्या क्या है, बैंगलोर के अंदर सिटी में क्या क्या ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर कर रहा था, तो वही देखा, उसके अंदर आएगा ये सीरीज़ के अंदर। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय। ओके सो वी आर नाउ नियर फोरम मॉल जो अब नेक्सस हो चुका है।